नमस्कार, मैं हूं प्रियांक सौरभ। आप देख रहे हैं बिहार और झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को। खबर झारखंड से है, जहां पे कांग्रेस के रांची लोकसभा सीट के प्रत्याशी व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय आज रांची में जनसंपर्क अभियान करने में लगे हुए। इस दौरान जब वो कचहरी चौक पहुंचे, तब उन्होंने लिट्टी चोखा का भी स्वाद चखा। उन्होंने एक खास आदमी की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह लिट्टी चोखा का आनंद लिया है और जमकर झारखंड की राजनीति पर निशाना भी साधा है। सुबोध कांत सहाय ने इस दौरान रघुवर दास, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री है, उनको ब्यूरोक्रेट्स का सरदार बता दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है, पहले आप सुने। लंबी लिस्ट है, उसके आगे भी लिस्ट है, क्योंकि झारखंड के ब्यूरोक्रेट हीरो के तौर पे काम कर रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो सरदार हैं उसके, और ऐसी हालत में यहाँ जितनी चाहे वो पलामू जिला का घटनाकांड देख लीजिए, और सारे बहुत सारी घटनाओं का जिक्र है। रांची शहर में जो विफलता का रूप है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उतनी हत्याएं नहीं होती जितना इस राजधानी में होती है, ये सारा स्वरूप है। इलेक्शन कमीशन बहुत पहले संज्ञान लेकर के इनके ऊपर FIR करने का आदेश दिया था, राज्य सरकार ने उसको डायल्यूट कर दिया। आज जब इस चीजों को याद दिलाएगा इलेक्शन कमीशन ने, तो इनको कहा कि अर्ली मॉर्निंग झारखंड छोड़ दो। मैं समझता हूं कि बेईमान पदाधिकारियों के लिए बहुत बड़ा ये एक सबक होना चाहिए और सुधरने का अगर प्रयास करें, भी सोचना चाहिए। जो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो है सुधरना चाहते हैं तो वो सुधरने का उनको एक ऐलान है ये, और जो ईमानदार पदाधिकारी हैं उनके लिए सम्मान है कि ऐसे लोग। तो जैसा कि आपने देखा, सुबोध कांत सहाय ने मीडिया के सामने रघुवर दास और चुनाव आयोग को लेकर भी कई तरह की बातें की है। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए अब लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब करें, और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाएं। धन्यवाद।